भारत ने जब अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर को बनाया था और उसके बाद LCH हेलीकॉप्टर को बनाया था, तब ये कहा जाने लगा कि LCH तो बिना दांतों वाला शेर है, इससे कोई फायदा भारत को नहीं होने वाला है। पर अब फ्रांस से एक नहीं बल्कि दो दो खुशखबरियां निकल कर सामने आ रही है। ये इतनी बड़ी है जो एक राफेल पर है और एक LCH और ध्रुव हेलीकॉप्टर पर है। ये इतनी बड़ी है जो चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद वाले बयान पर अमेरिका अब उतरा और अमेरिका ने क्या कह दिया। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरी दुनिया इस आशा में बैठी हुई थी कि जो पैगंबर मोहम्मद का बयान हुआ और उस बयान के बाद जो अरब देशों में बवाल खड़ा हुआ, अरब देशों में से कुछ देशों ने भारत के साथ पंगे लेने की कोशिश किए, लेकिन ये पंगे ज्यादा दिनों तक चले नहीं। जैसे ही फ्रूट क्राइसिस की खबरें निकलकर सामने आने लगी, एक के बाद एक अरब देश धराशाही होने लगे और ये अरब देश उल्टा भारत का समर्थन करने लगे और भारत से फूड क्राइसिस से बचने के लिए एग्रीमेंट साइन करने को कहने लगे। शुरुआत ऐसी हुई थी कि लग रहा था कि भारतीय प्रोडक्ट को पूरा अरब देश बैन कर देगा, लेकिन उल्टा हुआ ये कि अब अरब देश खुद ही मांग रहे हैं कि हमें बासमती चावल दे दो, हमें गेहूं दे दो, हमारे लिए सिक्योर रखना, हमें अनाज अगले साल जरूर देना। ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी भी है। जमीन इनके पास खेती करने लायक है नहीं और खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें इन्हें अगर लेनी है तो ध्यान तो इनको रखना ही पड़ेगा भारत जैसे देश का। अब ये चीज हुआ, इसके बावजूद दुनिया इस आशा में बैठी हुई थी कि अमेरिका क्या कहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिका ने तो ये बयान दिया था कि भारत में थोड़ी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। अरब देश जहां कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो अमेरिका भी देगा। आपको बता दे, भारत ने और भाजपा ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अपने दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया इस बयान के बाद। पर अमेरिका इस मामले में अब कूदा है। अमेरिका ने सीधे सीधे कहा कि जो दो नेताओं ने बयान दिया वो हम मानते हैं गलत, लेकिन हमें ये देखकर खुशी हुई कि भाजपा ने इसके ऊपर कार्रवाई की। अब आगे सुनिए, नेड प्राइस जो कि अमेरिका के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को सीधे सीधे कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय और अमेरिकी लोग समान मूल्यों पर विश्वास करते हैं, मानव गरिमा, मानव सम्मान, अवसर की समानता, धर्म और आस्था की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है और हम दोनों ही देश इस चीज को लेकर सजग रहते हैं। इस बार अमेरिका ने भारत को उपदेश देने की कोशिश नहीं की बल्कि भारत के रुख का ही समर्थन कर दिया है। भारत के रुख का समर्थन करने के बाद जो थोड़े बहुत देश उछल कूद रहे थे वो भी शांत हो चुके हैं। खैर, अमेरिका भी अब देख चुका है कि ये बवाल शांत हो चुका है और खुद अमेरिका को भी भारत की बेहद जरूरत है इस वक्त। इसीलिए तो नेड प्राइस ने रूस यूक्रेन मामले में यहाँ तक कह दिया कि हमारे एक मतभेद हो सकते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भारत के साथ संबंधों को छोड़ दें या भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में काम न करें। हम भारत के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। नेड प्राइस के इस बयान से अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अमेरिका भारत के साथ कैसे रिश्ते चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आजकल फ्रांस से भारत के लिए खुशखबरियों की लगता है जैसे कि बाढ़ आ रही है। पहले हमने देखा कि UPI को फ्रांस ने अपने देश में आने के लिए हाँ कह दिया। UPI रुपए कार्ड ये अब चलेंगे फ्रांस में, यानी यूरोप में धीरे धीरे भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। तो वहीं फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती और भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भारत के दो हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। एक है भारत का ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर को भारत ने मालदीव को गिफ्ट भी किया है, तो वहीं
दूसरा है LCH यानी कि लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर। अब जब लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर बना था, जिसकी LCH जब बना था, तब दुनिया ये कह रही थी कि ये तो बिना दांतों वाला शेर है, इसके बनने से क्या फायदा हुआ। लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर है और अच्छी उड़ान भर लेता है, हाई एल्टीट्यूड पर ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा काम आएगा, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, चीनी इलाके हैं, वहां पर इसका काम आना बनता भी है। लेकिन क्या फायदा अगर इसमें मिसाइलें लगी ही नहीं है और मिसाइलों का वार हो ही नहीं सकता है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। पर अब भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इसके लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत और फ्रांस ने एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत भारत का BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और फ्रांस का MBDA, ये दोनों इस मिसाइल को बनाएंगे। ये एयर टू एयर मिसाइल है, जो हीट सीकिंग मिसाइल है और फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है, मतलब एक बार दागो और भूल जाओ। मिसराल जो HAL रुद्रा हेलीकॉप्टर में भी लगेगा और LCH हेलीकॉप्टर में भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज है 6.5 किलोमीटर, मतलब ड्रोन से लेकर दूसरे हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहीं लो लेवल पर डिफेंस सिस्टम को भी ये हेलीकॉप्टर टारगेट कर पाएंगे, ये मिसाइलें टारगेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइलें भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनेंगे, यानी भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी देगा फ्रांस। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत इसको अपने ही देश में बनाएगा, युद्ध काल में कभी भी कमी नहीं होगी, किसी दूसरे देश के आसरे पर बैठना नहीं होगा। ये भारत के लिए बेहद फायदेमंद है। जहां एक तरफ ये खबर निकल कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से एक खबर निकल कर आई है। हालांकि ये खबर फ्रांस की मीडिया कह रही है, भारत की मीडिया अभी नहीं कह रही है, लेकिन फ्रांस की कोई आम मीडिया ये बात नहीं कह रही है, बल्कि फ्रांस के मिलिट्री एविएशन का जो इंसाइक्लोपीडिया है और डिफेंस के जो न्यूज देते हैं, उस मीडिया हाउस ने एक रिपोर्ट क्लेम किया है। और इस रिपोर्ट को क्लेम करने का मतलब है कि भारत और फ्रांस के बीच 114 फाइटर जेट की डील कंप्लीट हो चुकी है और फाइनल सितंबर अक्टूबर में साइन हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस बार भारत उसी राफेल को नहीं ले रहा है जिस राफेल को भारत ने पहले लिया था, बल्कि राफेल के अपग्रेडेड वर्जन राफेल F4 को ले रहा है। और इसके लिए भारत $20 बिलियन चुकाएगा। $20 बिलियन के तहत भारत 114 फाइटर जेट को खरीदेगा, जिसमें से 23 होंगे राफेल M यानी जो नेवी के लिए होगा, और बाकी होंगे राफेल F4। अब ये रिपोर्ट निकल कर आई है फ्रांस की मीडिया से। देखना होगा कि आगे क्या भारत इस डील को फाइनल करता है या नहीं करता है। हालांकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत इस डील को फाइनल कर लेगा, इसलिए क्योंकि फ्रांस का रोल सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि डिफेंस में बहुत अच्छे हथियार है, फ्रांस इस वक्त जियोपॉलिटिकली भी बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। और जब भी इतने बड़े डील होते हैं, हर चीज को देख कर किया जाता है कि किसी देश के साथ हो रही डील हमें कहां कहां फायदे पहुंचाएगा। वैसे आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।